हेलो फ्रेंड्स, देखिए छोटे बालों में हम लेजर कटिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम बालों को थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। जब ये गीले हो जाएंगे तो इनकी फुल लेंथ अलग से नजर आएगी। अब इसको एक साथ काट लेते हैं। आगे से हम इसको डबल पार्ट में बांट लेंगे, दो साइड में बीच की मांग निकाल कर। देखिए अब हम इसके बीच में इतने बाल अलग ले लेते हैं, इसको अलग पार्ट में पार्ट लेते हैं। ये मैंने 3 पार्ट्स में बांट लिया है। देखिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ये इतना काटती हूँ। अब अगली कटिंग जो मैं करूँगी बालों की, वो इसी के साथ देखते हुए करूँगी, लेकिन अगले बाल मुझे इससे छोटे काटने हैं। तो ये जो मैंने काटते थे बाल, अब ये स्टेप मुझे ऐसे करके काटना है और उसके बाद में फिर इसके साथ में अगले बाल लूँगी और उनको भी इससे इन बालों से छोटा काटूंगी। इसको ऐसे वी शेप में काटते जाना है। देखिए ये देखिए मैंने इसको यहाँ से शेप दिया है और ये देखते जाइए। ये देखिए ये इसकी लेंथ है। इसको मैंने ऐसे काटा है। अब मैं जो इसकी दूसरी साइड है उसको भी ऐसे ही काटूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी लगाती हूँ मैं, कंघे से सीधे कर लेती हूँ। और इसको जो मैंने आगे के बाल जो उस साइड से लिए थे उसको चेक कैसे किया जाए, तो उसको मैं ऐसे देखती हूँ। जब मैं ऐसे लूँगी तो ये मुझे इसकी लंबाई ये दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ से काटूँगी और इसी के साथ मैं इसको आगे तक काटती जाऊँगी। तो ये देखिए ये लेज़र कटिंग है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें मैं ड्रायर लगाकर इसको शेप दे दूंगी और ये बाल अच्छे से शेप में आ जाएंगे। अब ये जो आगे के बाल हैं उसको मैं सेट करूंगी। ये देखिए ये जो बाल हैं उसको मैंने ले लिया है और इनको बराबर से काट दे।
ये देखिए ये मेरी कटिंग हो गई है। इसको ड्रायर लगा के आप अच्छे से डिज़ाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।